एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू है 8। तो x इक्वल टू 0 पे चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो पहले हम चेक करेंगे 4 एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 8। तो इसलिए एफ ऑफ 0 एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट की है तो वैल्यू क्या रहेगी? 8 ही रहेगी क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है ये। फिर हम निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है क्या कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। जैसे हमने लिमिट में पढ़ा था लिमिट के अंदर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मींस तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है या x की वैल्यू 0 से छोटी है। और दोनों के लिए फंक्शन क्या है अपना? दोनों के लिए फंक्शन अपना 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वायर। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 का मतलब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वायर है, तो ये f ऑफ x की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे लिमिट को। देखो लिमिट को सोल्व करने के अपने पास डायरेक्ट मेथड भी था, फैक्टर मेथड भी था, रैशनलाइजिंग मेथड भी था, और साइन थीटा अपॉन थीटा से भी चेंज करते थे लिमिट को। तो यहाँ पे न तो फैक्टर हो सकते इसके, न ही इसमें रैशनलाइज हो सकता, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा में चेंज करेंगे इसको। 1 माइनस कोस 4x 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 करेंगे तो 2 x हो जाएगा और y में x स्क्वायर। अब बेटा मैंने तुम्हें ये बताया था अगर लिमिट सॉल्व करनी हो sin थीटा को थीटा में चेंज करना है इसको, तो sin का स्क्वायर है तो थीटा का भी स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे जब sin थीटा को थीटा बनाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर 2x, तो 2x का स्क्वायर है 4x स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे अबे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू 4 8 इंटू साइन 2x बाय 2x का होल स्क्वायर। तो ये साइन थीटा कॉन थीटा बन हो जाएगा। तो यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 ये साइन थीटा कॉन थीटा 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो 8 के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x किसके इक्वल आ गया? f ऑफ 0 के इक्वल आ गया। सो इट इज कंटीन्यूअस फंक्शन, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये 0 पे कंटिन्यूस फंक्शन है बेटा ये। इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x cos 1 बाई x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर ही चेक करना है एट x इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे पहले 4 f of a निकालते हैं, 0 पे चेक करना था, f of 0 की वैल्यू निकालेंगे पहले। 4 x इक्वल टू 0 तो f of x की वैल्यू कितनी है? 0 ही है, तो f of 0 भी कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। अभी मैंने बताया था पिछली प्रॉब्लम में भी
कि लिमिट x टेंड्स टू 0 का मतलब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x cos 1 / x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x cos 1 / x, x cos 1 / x। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से ही कर देते हैं इसको सोल्व, तो ये हो जाएगा 0 इनटू में, अब देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे 1/0, देखो 1/0 में से नॉट डिफाइन होता है, लेकिन cos नॉट डिफाइन, इसका मतलब cos इनफिनिटी हो गया, लेकिन तुम्हें ये पता है जो cos की वैल्यू होती है, cos की वैल्यू चाहे x की वैल्यू कुछ भी पुट करें हम, चाहे x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, cos की वैल्यू हमेशा -1 से +1 लाई करती है, तो फाइनाइट वैल्यू होती है cos की, फाइनाइट होती है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू cos 1 / x की वैल्यू, वो एक फाइनाइट वैल्यू आओगी, चाहे वो आओ कुछ भी, ये पता हमें नहीं क्या आएगी क्या नहीं आएगी, लेकिन आएगी एक फाइनाइट वैल्यू, -1 से +1 के बीच आएगी, क्योंकि तुम्हें पता है cos का मान हमेशा -1 से +1 लाई करता है, चाहे x का मान कुछ भी हो, तो इसलिए ये क्या आएगी, सम फाइनाइट वैल्यू, तो 0 इनटू में सम फाइनाइट वैल्यू 0 के इक्वल, तो ये भी इसके इक्वल आ गया, तो f ऑफ 0 किसके इक्वल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x के इक्वल हो गया, सो इट इज कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, तो ये भी क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसके अंदर, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, cos x / f of x is equal to cos x / में π/2 minus x when x not equal to π/2 or 1 if x equal to π/2, लेकिन अब की बात चेक करना है x equal to π/2 पे चेक करना है, तो बेटा पहले f of a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू है क्या π/2, जिस पर चेक करना होता है फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस से, वही अपनी a की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे x equal to π/2 पे चेक करना है, तो इसलिए for x equal to π/2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f of x is equal to 1, देखो equal to π/2 के लिए, x equal to π/2 के लिए f of x की वैल्यू π/2 है, तो इसलिए f of π/2 भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब लिमिट x tends to π/2 f of x, x tends to π/2 का मतलब x की वैल्यू π/2 नहीं है, उससे ग्रेटर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है, मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो अब की बार फंक्शन लिमिट x tends to π/2 cos x / में π/2 minus x। अब बेटा इसमें देखो, अब नोट करने की बात है क्या क्या, अब नोट करने की बात है क्या क्या, कि अगर यहाँ पे हम π/2 पुट करेंगे, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, cos 90 कितना होता है 0, और यहाँ π/2 पुट करेंगे, π/2 माइनस π/2 0, तो 0/0 फॉर्म बनेगी, तो हमने ये बताया था लिमिट के अंदर अगर 0/0 बनता है, तो हमने कोई ना कोई डायरेक्ट मेथड से हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, उस लिमिट को सोल्व करने के लिए तो फैक्टर करने पड़ेंगे, या रैशनलाइज करना पड़ेगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा, समझ में आ गई। तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? देखो डायरेक्ट से तो इसको कर नहीं सकते सॉल्व, ये डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाई बाई टू रखें, कोस पाई बाई टू जीरो, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू ये भी जीरो, तो डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी, जीरो बाई जीरो फॉर्म होगी तो हमने कोई ना कोई मेथड चेंज करना पड़ेगा अपना, जैसे हमें लिमिट सॉल्व, लिमिट ही तो सॉल्व कर रहे हैं ये, तो अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती थी, लिमिट x tends to पुट करते हैं क्या, x tends to 0 cos pi by 2 minus h अपॉन में pi by 2 minus h, तो ये हो जाएगा लिमिट x tends to 0 cos 90 minus थीटा sin थीटा होता है, और ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे इधर, ये माइनस ये प्लस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एच आ गया, तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, वन। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करते हैं, राइट के लिए पाई बाई टू प्लस एच पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू प्लस एच पुट कर दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पाई बाई टू माइनस एच थी, तो अपने ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखो x किसने अटेंड करा यहाँ पाई बाई टू ने, x की वैल्यू यहाँ पाई बाई टू रखो है तो पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो h किसने अटेंड कर जाएगा जीरो में, तो ये हो जाएगा cos पाई बाई टू प्लस h अपॉन में पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस h, ये सोल्व करोगे तुम तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस sin थीटा हो जाएगा, और नीचे भी ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, तो माइनस h आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, sin थीटा अपॉन थीटा 1, तो तीनों बराबर आ गए, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट equal to right hand limit equal to f of pi by 2, so it is continuous function, continuous हो गया। Next जो problem होता है इसमें, next problem क्या है कि f of x is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 और at x equal to 1 और at x equal to 2 पर चेक करना कि फंक्शन अपना कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो बेटा इसके अंदर देखो मॉडुलस फंक्शन जब आ जाता है नहीं, तो हम उसको इन वैल्यूज के अनुसार तोड़ेंगे फंक्शन को, कि भाई x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो इसके अनुसार इसको चेंज करेंगे फंक्शन को, तो ये बात थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, अगर मॉडुलस फंक्शन कहीं पर भी आता है तो इस तरह से तोड़ना पड़ेगा उसको, बाकी तोड़ते हैं हम लिमिट में भी थी, लिमिट में भी सॉल्व किया था ऐसा। तो देखो f of x is equal to when x less than 1, less than 1 के लिए ये भी नेगेटिव होगा और ये भी, क्योंकि एक से छोटी कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे जीरो रख दी यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा माइनस वन, यहाँ बनेगा माइनस टू, तो एक से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों फंक्शन नेगेटिव होंगे, और मैंने ये बताया था बेटा कि अगर कोई भी नेगेटिव फंक्शन है
मोडलस के अंदर नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको एक नेगेटिव और लगाते हैं, लेकिन मोडलस का आंसर तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम मोड ऑफ 2 निकालते हैं तो भी 2 आता है, और माइनस 2 का मोडलस भी क्या आता है, 2, लेकिन वो 2 कैसे आता है, इसको पहले ही एक नेगेटिव और दे देते हैं ताकि वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो उसको एक नेगेटिव और देनी होती है, तब वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब ये दोनों नेगेटिव रहेंगे x लेस देन 1 के लिए, ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। व्हेन x लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो इसको एक नेगेटिव और लगा देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अपनी f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, अब यहां से माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस टू 3, और यहां से एक्स माइनस एक्स, ये माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स प्लस टू ये कैंसल, तो प्लस टू माइनस वन तो वन आ गए। व्हेन एक्स लेस देन टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये एक्स लेस देन 1 के लिए। फिर इसके बाद When x greater than equal to 2, तो f of x की वैल्यू क्या है, 2x minus 3। अब चेक करेंगे बेटा 1 और 2 पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। अभी तो हमने फंक्शन तोड़ा है किसमें, 1 और 2 के अनुसार, तो अब मॉडुलस हटाया है इसका, ये मान लो, तो न 4x equal to 1, 1 पे चेक करेंगे पहले ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। 4x equal to 1, x equal to 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, f of x equal, ये रहा equal का साइन, तो 1 के बराबर है, तो f of 1 भी कितना होगा, 1 ही होगा भी, f of 1 भी 1 ही होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, देखो 1 नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों लिख ली मैंने पहले ही आपकी बार है, क्योंकि बेटा मुझे पता है कि लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन है और राइट के लिए अलग फंक्शन है, इसलिए मैंने पहले ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले ली। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा है, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब x का मान 1 से छोटा, अभी x से छोटा है तो फंक्शन है ये माइनस टू एक्स प्लस 3, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो, डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं इसमें, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस 3, तो ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट, 1 के लिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू, 1 पॉजिटिव का मतलब x का मान 1 से बड़ा है, तो ये भाई 1 है, तो ये भी 1 के इक्वल आ गया, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1, सो इट इज कंटीन्यूअस फॉर x equal to 1, 1 पे कंटिन्यूस हो बेटा। अब हम चेक करेंगे 2 पर, 4 x equal to 2, x equal to 2 के लिए फंक्शन कौन सा होगा, x equal to 2 के लिए भाई इक्वल का साइन कहां पे, 2 पे ये है, तो ये फंक्शन होगा ये 2x minus 3, तो f of 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 into 2 minus 3, 4 minus 3, 1 आ गया ये भी। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के लिए,
लिमिट एक्स टेंड्स टू टू नेगेटिव, ये मान लो दो क्वेश्चन बन गए, एक वन के लिए एक टू के लिए। अब टू नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा है, दो से छोटा होता है एक्स का मान, ये है फंक्शन, ये दो से छोटा फंक्शन, ये हो गया वन। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन ही आएगी भी। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव के लिए एक्स का मान दो से बड़ा हो, दो से बड़ा तो फंक्शन ये है टू एक्स माइनस थ्री, दो गुणा दो माइनस तीन, ये भी वन आएगी। तो ये भी क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ओ टू, सो इट इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर एक्स इक्वल टू टू। तो टू के लिए भी क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। तो वन और टू दोनों के लिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है इसमें, नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एट एक्स इक्वल टू फाइव पर चेक करना फंक्शन अपना कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो पहले निकालेंगे एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ फाइव की वैल्यू निकालेंगे। अब फाइव पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फाइव है, फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फाइव ही होता है, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद वही होता है। लेकिन जो नॉन इंटीजर होते हैं, जैसे 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, मतलब लेफ्ट में चलते हैं जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना होता है, तो 5 होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, f ऑफ x तो सेम ही है। तो अब लेफ्ट हैंड इसमें पुट करेंगे 5 माइनस एच, तो 5 माइनस एच का ग्रेटेस्ट क्या होगा, 5 माइनस एच, क्योंकि बेटा लेफ्ट इसके अंदर है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 माइनस एच करेंगे तो अलग वैल्यू आओगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, और 5 प्लस एच करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो 5 माइनस एच का ग्रेटेस्ट, 5 माइनस एच, देखो ये 5 है मान लो, यहाँ पे 5 में से कुछ एच घटाएंगे तो 5 से छोटा हो जाएगा, ये 5 से छोटा हो गया तो इसका मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट में जब भी इंटीजर आएगा वहीं रुक जाते हैं, तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। फिर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 5 प्लस एच हो जाएगी, तो 5 प्लस एच का मतलब ये एच जुड़ेगा तो 5 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन एच वेरी स्मॉल होता है, एच की वैल्यू बहुत ही कम होती है, लेकिन वो तो गया वो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 5 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो इट इज डिसकंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस। तो बेटा आपके भी ध्यान रखियो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, वो कभी भी इंटीजर पर कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूस होता है, लेकिन इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता कभी भी, समझ में आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है इसमें, f of x is equal to 4 if x less than equal to minus 1 or ax square plus b if x
less than 0 or greater than minus 1. Third, cos x if x greater than or equal to 0. If continuous function, at continuous function, then find value of a and b. a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अब की बार ये कंटिन्यूस फंक्शन है ऑल रियल पर, ये कहना है कि x की वैल्यू कोई भी रियल है तो ये कंटिन्यूस है तो सीधी ही बात है, तो ये माइनस वन और जीरो में भी कंटिन्यूस होगा। तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल, सो इट इज कंटिन्यूस फॉर x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू जीरो। तो माइनस वन और जीरो के लिए भी कंटिन्यूस होगा। यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है, कंटिन्यूस गिवन है लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, a और a b की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है? तो देखो, पहले माइनस वन पे चेक करते हैं, फॉर x इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू माइनस वन के लिए फंक्शन की वैल्यू बताइए क्या, इक्वल टू माइनस वन फोर है तो f ऑफ माइनस वन कितना आएगा, फोर आएगा। फिर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू माइनस वन नेगेटिव, माइनस वन नेगेटिव के लिए फंक्शन भी है ये बेटा फोर ही है, तो ये भी फोर आ गया। और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू माइनस वन पॉजिटिव के लिए फंक्शन कौन सा है, माइनस वन पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया, फोर के इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर रख दो क्योंकि ये कंटिन्यूस दे रखे हैं। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई अपनी। नाउ फोर, अब चेक करेंगे जीरो के लिए। नाउ फोर, एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कोस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, तो f ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos जीरो, cos जीरो वन हो गया, cos जीरो की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, ठीक है, cos जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा अपना, ये बता, जीरो नेगेटिव का मतलब x की वैल्यू क्या है, लेस देन है जीरो है, लेस देन जीरो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये आ गया बी। और राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव के लिए फंक्शन अपना cos x था, cos 0 1। तो बेटा यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी क्योंकि ये कंटिन्यूस दे रखे हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो बी की वैल्यू वन आ गई। अब बी की वैल्यू किस में पुट कर दो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो यहाँ पे, तो
प्लस बी इज इक्वल टू फोर था, बी की वैल्यू वन, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री आएगी। तो नेक्स्ट